साथियों, अगर आप एक टीचर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कंपनी के एचआर हैं या फिर वहां के एम्प्लॉय हैं या फिर आप किसी राजनीतिक सामाजिक संगठन के लीडर हैं या फिर उनके सदस्य हैं या फिर साथियों आप कोई भी ऐसे यूनियन में हैं जहां आपको मिलकर के काम करना होता होगा, परंतु इस जो वैश्विक महामारी COVID-19 के जो इस वैश्विक महामारी के दरमियान में लॉकडाउन हुआ है, इसमें आप अपने संस्था में जा कर के काम नहीं कर पा रहे होंगे और उन आपसी लोगों में मीटिंग नहीं रख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप वर्क फ्रॉम होम वाले पैटर्न को अपना करके अपने घर में बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से लोगों से मीटिंग ले सकते हैं, काम ले सकते हैं, एक यूनियन में बैठक कर सकते हैं या फिर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो भी इस काम को कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपसे एक और निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो नीचे लाल कलर का आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे आप दबा दीजिए, उससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे जो इसी प्रकार के वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम सीधा आ जाते हैं हमारे गूगल के प्ले स्टोर में और यहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड करेंगे और उसमें क्या क्या सेटिंग्स आपको करने होंगे। तो दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है सिस्को वेबएक्स मीटिंग। जैसे ही लिखते हैं सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर में इसे 4.3 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। 42 MB का इसका टोटल साइज है और लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इसे इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। दोस्तों, हम लोग डाउनलोड कर देते हैं क्योंकि 42 MB का है, थोड़ा सा समय लेगा। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि हमेशा मैं हमारे चैनल में आपको ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देता हूँ जिसे मैं काफ़ी अच्छे ढंग से समझा हूँ, रिसर्च किया हूँ और जो सबसे अच्छा और सेफ है, सिक्योरिटी वाला है, आपके मोबाइल को ज्यादा नुकसान या फिर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। वैसे अगर आप गूगल के प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको इस प्रकार से सैकड़ों एप्लीकेशन दिखाई पड़ जाएंगे जिसमें से हाल ही में एक बहुत ही प्रसिद्ध एप्लीकेशन, उसका नाम नहीं लूंगा, आप जानते भी होंगे, हो सकता है उसे इस्तेमाल भी करते होंगे, जिसमें ये आरोप लगा था कि वो सिक्योरिटी को छेड़ता है या सिक्योरिटी के साथ खेलता है। तो दोस्तों, ये सिस्को बहुत ही अच्छा ब्रांड है, आप इससे यूज कर सकते हैं, ये इसका बहुत ही अच्छा खासियत है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। सिक्योरिटी के साथ साथ इसमें बहुत सारे सेटिंग्स हैं, देख सकते हैं दोस्तों, ये एप्लीकेशन एकदम सेफ है, इसे हमें कर देना है यहाँ से ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पे ये टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है, उसे आपको कर देना है एक्सेप्ट और उसके बाद अगेन यहां पे कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको कुछ परमिशन मांगेगा दोस्तों, कुछ परमिशन आपको देना पड़ेगा जिसमें सबसे पहला परमिशन मांग रहा है आपके कॉन्टैक्ट्स का, हम कर देते हैं ओके। देन फोन कॉल्स का हम कर देते हैं अलाउ और उसके बाद रिकॉर्ड वीडियो, आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर सके क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से ही मीटिंग करने वाले हैं या फिर पढ़ाई करने वाले हैं या काम करने वाले हैं, तो आपको कर देना है इसे अलाउ। अलाउ करने के बाद यहां पे आपका लोकेशन मांगा जा रहा है, अलाउ द ऑर्डर टाइम कर देंगे। देन यहां पे आपका ऑडियो के माध्यम से ही आप दूसरे तक आवाज पहुंचा सकते हैं या खुद सुन सकते हैं, तो आपको कर देना है इसे ओके अलाउ। जैसे ही आप अलाउ करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पे आपको इसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। देख सकते हैं दो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पहला ऑप्शन है ज्वाइन मीटिंग, दूसरा ऑप्शन है साइन इन। सबसे पहले मैं ज्वाइन मीटिंग के बारे में बता दूं, ज्वाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है जो मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं ना कि मीटिंग करना चाहते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट, एक टीचर होगा, 10 स्टूडेंट होंगे, तो 10 के 10 जो स्टूडेंट है वो ज्वाइन करेंगे, एक टीचर जो है वो उस मीटिंग को होस्ट करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई कंपनी है उसका एचआर या टीम लीडर मीटिंग को होस्ट करता है, बाकी के जो सदस्य हैं एम्प्लॉयज हैं वो उसे ज्वाइन करेंगे। ठीक उसी प्रकार से आप किसी यूनियन से हैं तो आपका एक लीडर या नेता या मुखिया होगा, वो मीटिंग को होस्ट करेगा, बाकी के जो सदस्य हैं उसे ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको ज्वाइन के बारे में क्योंकि ज्वाइन करने वालों की संख्या ज्यादा है। जैसे ही आप ज्वाइन का ऑप्शन को प्रेस करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है जिसमें सबसे पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि मीटिंग नंबर और URL। यहां पे आपका मीटिंग नंबर या फिर URL सामने की तरफ से आपके होस्ट जो कर रहे हैं मीटिंग को उसके तरफ से आपको WhatsApp या कहीं भी माध्यम से दिया जाएगा, मेल के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, उसे आपको यहां पेस्ट कर देना है और यहां पे आपको कुछ करना नहीं है, यहां सिंपल से कर देना है ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद आप उस मीटिंग से जुड़ जाएंगे जिसे मैं आपको आगे करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं पीछे और दूसरा जो ऑप्शन है वो साइन इन। अगर आपके पास ऑलरेडी सिस्को के वेबएक्स में एप्लीकेशन में आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहां से साइन इन कर सकते हैं, अन्यथा आपको नीचे साइन
साइनअप करना होगा। दोस्तों मैं साइनअप का ऑप्शन को बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसे फ्रेश यूज करके आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ करना है आपके ईमेल एड्रेस के बारे में जानकारी। तो दोस्तों मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, कौशल गोस्वामी टॉक्स एट द रेट gmail.com। देख सकते हैं दोस्तों हमने अपने कौशल गोस्वामी टॉक्स एट द रेट gmail.com को डाल दिया। यहाँ पे हमें करना है साइनअप। साइनअप करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद दोस्तों हमारे पास आ गया एक और इंटरफेस। यहाँ पे हमें लैंग्वेज पूछा जा रहा है, इंग्लिश रखते हैं। फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, मैं कौशल रखता हूँ। लास्ट नेम लिखा जा रहा है, अपना लास्ट नेम लिख देता हूँ, आप भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें कर देना है कंटिन्यू। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस इंटरफेस में आपको बताया जा रहा है कि आप अपने इनबॉक्स में जाकर के चेक करें जो कि आप जीमेल आईडी जो डाले हैं या जो भी मेल आईडी आपने डाला है उस मेल आईडी में आपको एक लिंक सेंड किया गया है जिसकी सहायता से ये जो आपका साइनअप का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों इसे हम कर देते हैं मिनिमाइज और हम आ जाते हैं हमारे जीमेल में। और यहाँ जीमेल में हम देखते हैं कि कौन सा मेल आया है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ एक मेल आया है, इस मेल को आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड बहुत सारे चीज लिखा हुआ है, आप यूजर नेम और वेबएक्स का आपका साइट का देख सकते हैं। यहाँ क्रिएट पासवर्ड को आपको टच करना है। क्रिएट पासवर्ड को आप जैसे ही टच करते हैं यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल ले रहा हूँ लेकिन यहाँ पे पासवर्ड के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 8 करेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। एटलीस्ट 2 लेटर होने चाहिए अल्फाबेटिक में और अ मिक्स ऑफ अपर केस एंड लोअर केस, मतलब बड़ा लेटर और छोटा लेटर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। जो नहीं होना चाहिए वो है आपका नाम, आपके यूज़र नेम का नाम, आपके कंपनी का नाम या फिर लास्ट तीन पासवर्ड नहीं होने चाहिए। और इजी टू गेस वर्ड, जो आसानी से गेस किया जा सके ऐसे वर्ड्स नहीं होना चाहिए। और एनी कैरेक्टर रिपीट, जो भी कैरेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं वो 3 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों सिक्योरिटी कितना तगड़ा है सिस्को का। यहाँ हम डाल देते हैं इन्हीं सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक पासवर्ड जो कि मैं ये डाल दिया हूँ। इसे मैं कर देता हूँ कंफर्म। कंफर्म करने के बाद हम कर देते हैं इसे कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करते हैं दोस्तों ये देख सकते हैं प्रोसेस ले रहा है और हमें एक और यहाँ पे पूछ रहा है परमिशन, जिसे हम कर देते हैं अलाउ। अलाउ करने के बाद हमको यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी मेंशन करना होगा। तो हमारा ईमेल आईडी है कौशल गोस्वामी talks@gmail.com। अब यहाँ पे हमें कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं दोस्तों ये देख सकते हैं हमको एक साइट दिया जा रहा है, उसे हम चूज कर सकते हैं या फिर दूसरा URL क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ही चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड जो मांगा जा रहा है वो पासवर्ड आपको वही डालेंगे जो आपने रखा था। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड फिर से डाल देता हूँ दोस्तों। ये डालने के बाद मैं इसे कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब ये जो ऑप्शन दिखाई देगा, जो पेज ओपन होगा वो है, देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने पासवर्ड को सेव रखना चाहते हैं क्या। अगर आपका पर्सनल मोबाइल है तो आप सेव रख सकते हैं, अगर पर्सनल मोबाइल नहीं है तो सेव मत रखिएगा। मैं फिलहाल यहाँ सेव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार मीटिंग या फिर बार बार इसका काम होता रहेगा। देन यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑडियो के बारे में पूछा जा रहा है, आप नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ ओके कर देंगे। अब दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है जहाँ पे आपको सबसे पहला माइक का सिंबल दिख रहा है। माइक में आप अपने आवाज़ को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। वीडियो का सिंबल दिख रहा है, इसमें आप अपने वीडियो को दिखा सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं। और यहाँ मीटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मीटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक टीम की आवश्यकता होगी या फिर एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। तो मैं यहाँ पे अपना हमेशा की तरह सैमसंग का J7 Pro रखा हूँ, जिसमें आपको बताने वाला हूँ, इसमें मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो दोस्तों इसमें मैं सीधा आ जाता हूँ हमारे WebEx के उस एप्लीकेशन में। जैसे ही हम WebEx के एप्लीकेशन में जाते हैं दोस्तों, इस वाले एप्लीकेशन में मैं कर देता हूँ स्टार्ट मीटिंग को। और स्टार्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं मुझे एक दिया गया है वीडियो एड्रेस का नंबर और एक दिया गया है मीटिंग नंबर। तो मैं दोनों में से किसी एक को मुझे कॉपी करना है। आप किसी भी एक को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको उसे शेयर करना है। हालांकि यहां से ही आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड वर्जन 10 चला रहे हैं तो आपके में ये ऑप्शन दिखाई देगा, आप शेयर कर सकते हैं उसे ईमेल के माध्यम से, आप शेयर कर सकते हैं उसे व्हाट्सएप के माध्यम से, आप शेयर कर सकते हैं उसे किसी भी माध्यम से आप शेयर करें। मैं अभी फ़िलहाल इसे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे इस सैमसंग के J7 Pro में शेयर करता हूँ। J7 Pro जैसे ही लिखता हूँ दोस्तों ये मैंने इस नंबर को यहाँ शेयर कर दिया है। शेयर करने के बाद मुझे उस नंबर को यहाँ से
से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों अगेन आ जाता हूँ इस वाले ऑप्शन में, और जो ज्वाइन मीटिंग के बारे में बता रहा था दोस्तों, मीटिंग जैसे ही आप जाएंगे उसमें आपको उस वहाँ से URL या जो नंबर मिला उसे करना है पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ कर देना है ज्वाइन। जैसे ही आप यहाँ ज्वाइन करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि चालू हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। चालू होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ वो है इसका वीडियो चालू करने का, ये कैमरा निकल चुका है और यहाँ पे मुझे स्टार्ट माय वीडियो के ऑप्शन को प्रेस करना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी मैं चालू कर देता हूँ स्टार्ट माय वीडियो को, और इसे मैं फ्रंट में रखता हूँ, इसे बैक आपकी तरफ अर्थात कैमरा की तरफ रखा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा सेटअप दिखाई दे रहा होगा पूरा स्टूडियो का, और इसे ऐसा करने से ऐसा दिखाई देता है। तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ अभी डाउन, और आपको और भी अदर सेटिंग्स के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, 3 डॉट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, इन ऑप्शन के बारे में आप जानकारी ले लें क्योंकि यही काम के ऑप्शन है। लॉक रूम अर्थात अगर आप होस्टिंग कर रहे हैं और आप अपने रूम को लॉक करना चाहते हैं 2 या 5 लोगों के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं उसके अलावा अदर कोई भी व्यक्ति नहीं जोड़ना चाहते हैं तो लॉक रूम कर दें। स्विच स्पीकर एंड माइक में आप जो माइक का इस्तेमाल कर रहे थे उसे स्पीकर या माइक के कंडीशन में कर सकते हैं। क्रिएट शॉर्टकट आप अपने मोबाइल के डेस्कटॉप में सामने में क्रिएट शॉर्टकट बना करके रख सकते हैं। फाइंड डिवाइस आप डिवाइस खोज सकते हैं। शेयर कंटेंट का एक ऑप्शन है दोस्तों, इसे मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे आप शेयर कंटेंट को टच करते हैं यहाँ पर आपको शेयर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, बॉक्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट आदि चीज़ें दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको फोटो दिखाई देगा। आप चाहते हैं अपने इस मीटिंग में फोटो सबको दिखाएं कि आपने क्या काम किया है या बच्चों को क्या काम करना चाहिए या मीटिंग में क्या होना चाहिए, तो आप सेटिंग में चले जा करके यहाँ फोटो को ले लें। फोटो को लेने के बाद आप यहां देख सकते हैं कोई भी एक फ़ोटो चूज कर लें जिसे आपको दिखाना है, और इसे जैसे ही आप दिखाएंगे तो दोस्तों ये दिखाई देना पड़ जाएगा सभी को। इस वाले मोबाइल में भी दिखाई दे रहा है, इस वाले मोबाइल में, और यहां मैंने इसे दिखा रखा है। आप चाहें तो इसे यहां से स्टॉप कर सकते हैं, देन यहां पे फिर 3 डॉट में चले जाएँ, चैट विथ एवरी वन के साथ आप चैट कर सकते हैं, हाय हेलो जो भी आपको लिखना है वो लिख करके आप भेज सकते हैं। बैक हो जाएंगे उसके बाद फिर से 3 डॉट में चले जाएँ। पोलिंग का जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में होता है, मोबाइल में नहीं होता है, तो इस ऑप्शन हम छोड़ देते हैं। ऑडियो ओनली मोड, इस ऑप्शन को अगर आप प्रेस करेंगे तो केवल ऑडियो ओनली मोड रहेगा, इसमें वीडियोस नहीं दिखाई देंगे। इंफॉर्मेशन में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, और सेटिंग में आप जाकर के बहुत ही डिटेल से सेटिंग को समझ सकते हैं। वीडियो लेंथी होते जा रहा है, लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं आपको सेटिंग को नहीं बता रहा हूं, आप सेटिंग को जाकर के आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहां 3 ऑप्शन को देख लिया। सबसे पहला ऑप्शन था माइक का, जिसे मैं फिर से चालू करके दिखा देता हूं। यहां मैं जो भी बात करूंगा सामने सुनाई देगा, या फिर सामने वाला माइक इनेबल करेगा तो उसका यहां सुनाई देगा। फिर उसके बाद वीडियो का ऑप्शन 3 डॉट जो है उसमें बहुत सारे सेटिंग्स हैं, और जो लास्ट है उसे आप टच करेंगे तो आपका मीटिंग लीव करके निकल जाएंगे, आप मीटिंग को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो चुका है जो सिस्को का ये वेबएक्स है, जिससे आप वर्क फ्रॉम होम के तहत काम कर सकते हैं। इसमें आप यही चीज़ था दोस्तों, और कोई खास इसमें प्रक्रिया नहीं है। एक दो चीज़ें और बता दूं दोस्तों आपको, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को जो ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला आपके सामने डिस्प्ले आता है, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो जो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्ले आता है तो वो होम डिस्प्ले कहलाता है, लेकिन आप अगर लेफ्ट की तरफ इसे स्वाइप करेंगे तो यहाँ आपने जो भी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है वो मीटिंग के बारे में आएगा, जो एडवांस आगे जाके फ्यूचर में आप करने वाले हैं। और अगर आप फिर से आ जाते हैं बीच में तो आपको होम पेज आ जाएगा, और राइट आप जाते हैं तो यहाँ आप अगर कुछ मीटिंग को रिकॉर्ड करके रखे हैं तो वो भी आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उसे जाकर के आप दबा दें, जिससे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आप हमारी इसी प्रकार के जो वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।